तारीख से हो गई थी, लेकिन हफीज साहब की ख्वाहिश पर कि आप ये सेशन पूरा कर दें, तो मैंने उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए ये सेशन जो है वो पूरा करवा दिया है। मैंने
साल सर्विस की है और इस दौरान मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जो मेरे जिम्मे ड्यूटी है मैं उसको ऐसे तरीके से अंजाम दूँ और इसमें मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इसमें कामयाब हुआ हूँ। एक टीचर की कारकर्दगी को जांचने के लिए रिजल्ट ही होता है जो कि बताता है कि इस टीचर ने क्या काम किया है, ये कितनी मेहनत की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई भी रिजल्ट जो है स्कूल में दर्ज आया हूँ वो आपने गिरफ्त नहीं है, यानी हर रिजल्ट जो है वो मेरा तकरीबन अच्छा ही रहा है। तो बाकी मैंने अपने क्लीग के साथ कोशिश की है कि मैं अच्छा रवैया जो है अच्छे रवैये के साथ उनके साथ रहूँ, प्यार मोहब्बत से रहूँ। तो बाकी आप बच्चों के लिए है कि आप अपने बड़ों का अदब करना सीखें, एहतराम करना सीखें, अपने असातिज़ा का एहतराम करना सीखें। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में तो थोड़ा कमज़ोर थे लेकिन जब वो यहाँ से फारिग हो के गए वो आज कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत ही कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कुछ ऐसे बच्चे जो कि स्कूल में पढ़ाई के हवाले से तो काफ़ी ज़हीन थे, लायक थे, लेकिन उनमें थोड़ा सा तकब्बुर था, वो उस्तादों के एहतराम के हवाले से वो इतने अच्छे नहीं थे। उन्होंने MSc भी कर ली, उन्होंने MPhil भी कर लिया और मैंने देखा है कि वो कामयाब ज़िंदगी जो है वो नहीं गुजार रहे। तो आप बच्चों के लिए आपके वालदैन यहाँ स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो आपके वालदैन जो हैं वो अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ जो हैं वो आपके हवाले से पूरी कर रहे हैं। वो आपको खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, आते हैं जेब खड़े देते हैं, आपसे घर के काम नहीं करवाते, इसलिए कि आप पढ़ लिख के अच्छा आदमी बन जाए, अच्छे इंसान बन जाए, आपकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी बन जाए। दुनिया में एक वालिद का एक ऐसा रिश्ता है जो ये चाहता है कि मेरा बेटा जो है वो मुझसे बड़ा आदमी बने, वो मुझसे अच्छी लाइफ गुजारे और उसके लिए वो अपनी पूरी कोशिश करता है। तो बेटा आपकी ये ज़िम्मेदारी है, जिस तरह आपके वालदैन की आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं आप उनकी उम्मीदों पे उम्मीदों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और उनकी उम्मीदों को पूरा करें। अल्लाह ताला जो है वो आपको कामयाबी और कामरानी नसीब करे। मैं अपने मास्टर साहब और साथ ग्राम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे एजाज़ में ये तकलीफ की और मुझे इज्जत बख्शी। वाह।